आज हम लोग रिप्लेसिबल पैरा मेथड कवर करेंगे। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, SLM मेथड, इसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो फिक्स रहता है। इसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन द फिक्स, इसमें हम डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और ओरिजिनल कॉस्ट में चार्ज होता है। दूसरी पॉइंट, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट पे अपेक्षा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। सपोज हमने एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, उस पर हमें इसको निकालने दो तरीका होता है, एक फॉर्मूले से और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब फॉर्मूले से निकालने फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन और इसकी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 10,000 है, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो हमारा कितना जाएगा, 90,000 डिवाइड बाय 10 निकल जाएगा 9,000 पर एनम डब्ल्यू चार्ज होगा। तो हमको पता है असेट इज इक्वल टू, अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है हमारा। अब एक चीज याद रखना, लायबिलिटी और कैपिटल जब भी बढ़े तो क्रेडिट साइड, और जब भी घटे डेबिट साइड। किसी भी रीजन से अगर हमारा कशिश, किसी भी रीजन से अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड और घटती है डेबिट साइड। इसी तरह असेट है, असेट किसी भी रीजन से अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट साइड और घट रहा है तो क्रेडिट साइड। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं या इनकम होती है, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसी जगह पे उसको क्या कैपिटल में जाता है, ठीक है। अब कैपिटल में उसको हम लोग अपलोड करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट, reducing the value of fixed assets। तो asset इसमें कम हो रहा है, उसकी value कम हो रही है। asset क्या होता है, machine क्या होती है, asset होता है। asset क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो credit side में चला जाएगा, तो entry क्या बनेगी, और expense ये हमारे लिए क्या हुआ, expense है, एक loss है, लॉस का असर कैपिटल में जाता है, कैपिटल में जाता है, तो कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल कम हो तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो कैपिटल किस वजह से कम हो रही है, डेप्रिसिएशन वजह से हो रही है, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट, ठीक। कितने से कम हो रहा है, 9,000 से कम हो रहा है। अब ये हर साल हमारा चार्ज किया जाएगा, जैसे कि हमने लिखा 1 अप्रैल को, अगर हम लोग डेट देखें 1 अप्रैल को मशीन हमने परचेज किया होगा, मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होगी, हमारे पास मशीन आई है तो मशीन परचेज करने की एंट्री हमने की होगी मशीन अकाउंट डेबिटेड और हमारे पास पैसा गया होगा, ये बैंक से गया होगा, पेमेंट किया होगा, तो टू बैंक अकाउंट। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा,
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, और यही मॉडर्न कंसेप्ट का रूल लग जाएगा इसमें। आप दोनों लगा सकते हो, गोल्डन रूल भी और मॉडर्न रूल भी। जनरल एंट्री ये होती है, ये परचेस की होती है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है। हमने मशीन खरीदी थी कितने की, 100,000 रुपए की, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू थी 10,000, और हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 9,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन का 9,000 चार्ज होगा। तो 1 अप्रैल को मशीन खरीदा था हमने, यहाँ पे 2 बैग आ जाएगा, ठीक है, परचेज करते हैं 2 बैंक से आएगा, कितने से हमने 1,00,000। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो एंड ऑफ द ईयर चार्ज होता है, तो 31 मार्च को चार्ज होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा कितना 9,000। अब वो बैलेंस कर रहा है तो कैसे करेंगे, 1,00,000 को 9,000 माइनस कर देंगे, तो बाय 31 मार्च को ही बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 91,000 की असेट हमारे बची। अब अगले साल ये मान लो हमारा था ईयर 2016, ये 2017 मार्च है, फिर 2017 1 अप्रैल क्या करेंगे हम लोग, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे कितना 91,000 का। एंड एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन देखो फिर से लगेगा, ये बहुत सिंपल मेथड हम लोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 17 में, खत्म कब होता है 18 में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। यदि 18 में शुरू हुआ तो खत्म कब होगा 19 खत्म होगा, तो ये 17 को शुरू हुआ तो 18 खत्म होगा, तो 31 मार्च 2018 में हमने क्या किया, बाय डेप्रिसिएशन फिर चार्ज किया। डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, और उसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है, क्योंकि असेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है ड्यू टू वेयर एंड टियर, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन होने से उसकी जो मेन मार्केट वैल्यू होती है वो भी डाउन होती है कॉस्ट एंड रेट से एसएलएम मेथड के अंदर। तो अब 9,000 फिर हमने क्या किया, यहाँ रिड्यूस किया, देखिए यहाँ पर भी 9,000 चार्ज किया और यहाँ भी 9,000 चार्ज किया। एसएलएम में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है एक बार कैलकुलेट करते हैं और हर साल वही वैल्यू से हम लोग उसको डिडक्ट करते चले जाते हैं मशीन की वैल्यू से, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो 91,000 में से हमने माइनस कर दिया 9,000, तो 82,000 हमारी बचत हो गई, ठीक। तो अब 82,000 की मशीन अगले साल थी, तो कोई पूछे कि 2018 मार्च में असेट की वैल्यू क्या थी, तो मैं बोलूंगा कि 82,000 की वैल्यू थी, क्योंकि 18,000 टोटल उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना पहले साल 9,000 अगले साल 9,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एसएलएम में कॉन्स्टेंट दिया था, जो एक साल लिया वही हर साल लिया जाएगा, फिर अगले साल इसको क्या कर देंगे, फिर अगले साल इसको हम लोग जैसे इसको हमने क्या किया था ब्रॉट डाउन कर दिया था, इसी तरह ये बैलेंस को भी अगले साल हम लोग क्या करेंगे ब्रॉट डाउन कर देंगे, और ये 31 मार्च है और फिर से 1 अप्रैल शुरू हो रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। अब फिर से ये कौन सा ईयर हो गया 2018 हो गया, अब 2019 फिर से आ गया 31 मार्च
31 माह फिर हम डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना लगाया उन्होंने, फिर वही 9000। जो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में कॉन्स्टेंट हमेशा होता है, वो चेंज नहीं होता। अब फिर से मैंने 82000 में से 9000 माइनस कर दिया तो 73000 बचा हमारा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 73000। और ये हम लोग कब तक करेंगे, 10 इयर्स तक करेंगे, ठीक है, जब तक इसकी वैल्यू मिल नहीं हो जाए, ठीक। तो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में सेम वही रहता है जो पहले रहता था। अब ये डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एसएलएम मेथड का, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस कैरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज प्लस इरेक्शन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस मतलब उसको फिट कराने के जो चार्जेस है, जैसे घर फिट कराने के लिए फिट कराने का जो चार्जेस होता है, जैसे कि हमने अपने घर में एसी खरीदी और एसी खरीदने के लिए अब उसमें स्टेबलाइजर लगाना है और फिटिंग करानी है, तो ये चीजें क्या है, इरेक्शन कराना होता है, एक मशीन को फिट कराना होता है। हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, अब उसको फिट कराना है, उसके लिए पाइप लगाना पड़ेगा, उसको ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो उसके सिस्टम अलग होता है, तो जितने भी इरेक्शन होते हैं उसको कॉस्ट ऑफ मशीन में जोड़ दिया जाता है। उसमें एनी अदर कॉस्ट एट टाइम ऑफ परचेज, और क्या है, एनी अदर कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, जब इतना कर लेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू तो हमारी क्या जाएगी, नेट कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है, नेट कॉस्ट असेट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसएलएम डेप्रिसिएशन का, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा और उसको हर साल कॉन्स्टेंट रेट पे हम लोग चार्ज करते चले जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन It's not given in question. जो क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है। अभी वालों को एक क्वेश्चन चेक कर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बहाने लगे हाथ इसी फॉर्मेट पे। पहले इसको रब कर लिया जाए जितनी डिटेल थी, आइए
चलिए अब क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन वन डीके गोयल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन डीके गोयल का पहला क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, मतलब कि अतुल एक कंपनी है लिमिटेड, अतुल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीन परचेज किया, तो मशीन परचेज किया कितने का, कॉस्ट इसकी थी 90,000 की, और कह रहा एंड स्पेंट उस पर खर्चा किया, ये खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, कितना है 6,000 एंड कैरेज पे कर रहा है, प्लस कैरेज मतलब कि एट द टाइम ऑफ परचेज, जब ने बताया था कि जो भी खर्चे एट टाइम ऑफ परचेज होते हैं उसको कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड कर देते हैं 4,000 का, ठीक है 4,000 ऑन इट इरेक्शन, मतलब कि कैरेज 6,000 कैरेज पे किया है, स्पेंड ऑन कैरेज ये जो है स्पेंड ऑन कैरेज है, और प्लस इरेक्शन पे मतलब फिटिंग कराने पर, उसको इरेक्ट कराने पर 4,000 खर्चा हुआ, तो टोटल कॉस्ट नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ असेट्स, नेट कॉस्ट ऑफ असेट कितनी पड़ गई हमारी 1,00,000 की वैल्यू पड़ गई। उसके बाद कह रहा है ऑन अ डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन वॉज 10 ईयर, मतलब इसकी लाइफ जो है एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10 साल तक मशीन चलेगी, एंड आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू भी हमारी दी है, मतलब कि कबाड़ में कितने बिक जाएगी वो 10 साल के बाद 20,000, तो हमको ये और प्रिपेयर आर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर, तो बता रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगी, ये पर पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लें, फॉर्मूला अप्लाई करने का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, और एसएलएम मेथड लगेगा इसमें, एसएलएम मेथड से कहा है तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, एसएलएम मेथड को हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब ये डेफिनेशन कैसे लगेगा, देखिए कॉस्ट ऑफ असेट्स ये हम लोग कह सकते हैं नेट कॉस्ट ऑफ एसेट, नेट कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलता अभी बताया हमने, माइनस स्क्रैप वैल्यू की यूज होने के बाद उसकी वैल्यू मिल जाएगी तो कितने में माल बिकेगा, ऐसा भंगार ऐसा कबाड़ के फॉर्म में कैसे बिकेगा, और एस्टिमेटेड लाइफ लाइफ ऑफ असेट्स, तो नेट कॉस्ट हमारी कितनी पड़ गई थी 1,00,000, फिर से देख लो 1,00,000 कैसे आया किसी को डाउट है तो, 1,00,000 कैसे आया देख लो, फिर से 90,000 की मशीन खरीदी उस पर कैरेज उसको लगवाने का 6,000 खर्चा किया, उसको लगवाने का 4,000 खर्चा किया, तो जो भी खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज करते हैं
पुट टू यूज तक लाने में, तो वो खर्चे वो पूरा ऐड कर दिया जाता है। इस एडिशन को 6,000-4,000 के हमने ऐड किया 90,000 में, उसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड करना। क्या कहते हैं? कैपिटलाइज करना। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20,000। मतलब आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दैट मशीन 20,000। ठीक, उसके बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी कितने की बचेगी? 20,000। और लाइफ क्या एस्टिमेटेड? 10 years है हमारा। तो 80,000 डिवाइड बाई 10, दैट मीन पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना होगा? 8,000 होगा। और ये फिक्स रहेगा, ये वर्ल्ड इज द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हर साल 8,000 हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे 12th month के लिए। ठीक है, तो 12th month का भी बहुत बहुत रोल है इसमें कि डेप्रिसिएशन 8 मशीन बीच में खरीदा होते क्या करेंगे, तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा होगा, लेकिन टोटल जो होगा वो 80,000 होगा। अब 8,000 मंथ डेप्रिसिएशन आ गया, मशीन खरीदा था हमने कितने का? कब खरीदा? 1 अप्रैल को खरीदा। ईयर कौन सा था? 2015। और पहली अप्रैल मशीन खरीदा तो 2 bank एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग क्या बना रहे हैं? मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे देखो जरा, 1,00,000 रुपए। बुक में 90,000 अलग लिखा है, 4,000 अलग लिखा है, 4,000 और 6,000 अलग लिखा है। इसका मतलब बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 machine है, machine 1, machine 2, machine 3, पर एक्चुअली में एक ही मशीन है, उस पर एक्सपेंड हुए हैं अलग, खर्चे हुए हैं अलग से। ठीक है, ऐसे एक्सपेंड किया गया है, तो 3 machine नहीं है, वो 1 machine है। हम उसको जोड़ करके पूरी वैल्यू दिखाएंगे, हमेशा याद रखना इसी तरह प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये अप्रैल, अब साल को खत्म होता है 2016 को खत्म होता है, कौन तारीख को? 31 मार्च को खत्म होता है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 8,000 लग जाएगा सर। तो बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस, और डेट वही रहेगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा? 92,000 सर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इस साल के एंड में। तो मशीन की वैल्यू अगर पूछे कोई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम क्या बोलेंगे? 92,000 बोलेंगे आफ्टर अप्लाई द डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ईयर आता है? फिर से आएगा 2016 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल। ये मशीन क्या होगी? ब्रॉड डाउन जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसी मशीन को हमने क्या किया? अगले साल उतार दिया, कितने की? 92,000 मशीन हमने अगले साल उतार दिया। अब उस पर हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि बीच में ये बिक नहीं रही है। तो 2017 में बाय कब? 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रहेगा? 8,000, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं SLM फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पढ़ रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का रेट जो होगा वो सेम होगा। तो अब कितना बचा? बाय बैलेंस कैरी डाउन तो आएगा 84,000। अब ये वैल्यू बची, हमने 92 को 8,000 माइनस कर दिया, जो बैलेंस बचा हमने यहां लिख दिया, ये टैली कर गया। अब नेक्स्ट कौन सा ईयर आया? 2018 और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में क्या करेंगे? सबसे पहले 2 balance यहां पे सही कर लो, यहां पे बाय नहीं 2 होगा, 2 डेबिट पे 2 होता है लेजर के अंदर, 2 balance ब्रॉड डाउन
84,000। अब साल शुरू हो रहा है 2018 में, तो खत्म कब होगा 2019 में 31st मार्च। तो अब किस आप डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपए, सेम अमाउंट 8,000, बचा कितना 76,000 की हमारी वैल्यू बचेगी। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू ऑफ द एसेट फोर ईयर पूछा है ना, इसको थ्री ईयर कर लीजिए, फोर ईयर पे तो निकाल लेंगे। तो थ्री ईयर्स के बाद जो वैल्यू है वो कितनी है एसेट की, 76,000 की वैल्यू है। मतलब मार्केट में आज इसकी वैल्यू 76,000 की होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो लॉस हो गया, ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसएलएम मेथड में। ठीक है, थैंक यू सर।